Hello students, how are you? I hope you are in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस नए वीडियो की शुरुआत हम अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि आज से आने वाले कुछ वीडियोस हमारे एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स उसको लेकर हम बहुत अच्छे से हम थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा वो विदाउट एडजस्टमेंट वाला नहीं आएगा। अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस में विदाउट एडजस्टमेंट्स पढ़ा है, जीएसटी भी पढ़ा है हमने, लेकिन इसके साथ में वो एडजस्टमेंट एंट्रीज ज़रूर देंगे जिसको हम बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। ये स्टूडेंट्स आपकी ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती हैं एज एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, जिसकी हमें एडिशनल एंट्रीज पोस्ट करनी होंगी। अब आप ये बोलोगे कि जब हम सारी एंट्रीज हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत ही क्या है? इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स के सारी फिगर ट्रायल बैलेंस से उठाई जाती हैं, और ट्रायल बैलेंस में वो फिगर्स कहाँ से आती हैं? लेजर अकाउंट से और जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो इट मींस कोई भी ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगी उसकी जर्नल एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है, विदाउट जर्नल एंट्री वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ सकती। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आई है तो फाइनल अकाउंट में भी नहीं जाएगी। तो वो फिगर्स जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आती हैं, वो ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आती हैं, वो एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको बाहर दी हुई होती हैं। अब बाहर क्यों दी हुई होती हैं? अब आप जानते हैं जैसे हमारा अकाउंटेंट है वो साल भर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, कभी कभी उससे कुछ ट्रांजेक्शन मिस हो गए, रिकॉर्ड ही नहीं करी, उसने जनरल एंट्री पास ही नहीं करी, जनरल एंट्री पास नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई। अब आप अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हो, व्हेन यू हैव नोटिस दैट मिस्टेक्स, तो आपको दिस बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर दीज ट्रांजेक्शन्स। जब आप उसकी ट्रांजेक्शन्स को एंटर करोगे, जर्नल एंट्रीज बनाओगे, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आएंगी और फिर से वो फाइनल अकाउंट में आएंगी। एक और रीज़न हो सकता है स्टूडेंट्स, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स में कुछ एरर्स नज़र आती हैं, वो आपके अकाउंटेंट से एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, एरर्स अनइंटेंशनल एरर्स हैं वो, तो आपने जब वो नोटिस कर लिया है तो आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि उन एरर्स की एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डालिए। तो ये दो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी जाती है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है। वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है वो क्योंकि उसकी जनरल एंट्री बनी है, उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्री बनी है, तो हमें उसकी दो जगह एंट्री करनी ही पड़ेगी। वो एंट्री कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में जाएगी। और हाँ, अगर जो आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं उसकी सिर्फ से एक ही एंट्री जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी या सिर्फ से बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कौन कौन से वो आइटम्स होंगे जिनके ऊपर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर। तो ये मैंने कुछ आइटम्स लिखे हैं जिनके ऊपर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, और ये यूजली आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेंगी इस तरह की एंट्रीज। तो अभी हम इनको एक एक करके पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। इन सब आइटम्स का आपको पहले बेस समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल पार्ट आराम से कर लोगे, और अगर बेस में आपका ज़रा भी कुछ कमी रह गई तो आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करोगे न्यूमेरिकल पार्ट में। और न्यूमेरिकल्स में आपको पता है एक गलती, सिर्फ से एक गलती से आपका एंटायर क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। तो इसलिए अभी जो मैं हम करेंगे, अभी एक एक हम बेस को समझाएंगे, आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे कर पाओगे। तो अब हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाले उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ये तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, कोई भी अगर आइटम अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, उसकी जनरल एंट्री तो बनेगी ही बनेगी। क्लोजिंग स्टॉक की क्या जनरल एंट्री बनेगी? आपको पता है ये कहाँ कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमारा एसेट्स आइटम है तो हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनकी जनरल एंट्री समझना भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में जनरल एंट्रीज भी आती हैं, टू
ट्रेडिंग अकाउंट। हम ये जनरेटरी बनाएंगे क्योंकि ये एसेट्स है हमारी, तो हम इसको बैलेंस शीट्स के में एसेट्स में ले जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में कर देंगे। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब मुझे ये बताइए, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है, इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तब इस बात से क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी ट्रायल बैलेंस में आपको ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट दिया हुआ है, आपको परचेजेस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इस बात से आपका क्या मतलब है? इसको एंट्री आप कहाँ लेके जाओगे? दोनों डेबिट साइड में दिए हुए ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इट मींस क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। यहाँ जो ये परचेजेस लिखा है ये एडजस्टेड परचेजेस है। आप देखोगे इस ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो परचेजेस है नेट परचेजेस है, जिसको हम एडजस्टेड परचेजेस भी बोलते हैं। एडजस्टेड परचेजेस ये कौन सी होती है? इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ये जो परचेजेस है स्टूडेंट्स ये एडजस्टेड परचेजेस है। इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया है, इवन अगर परचेज रिटर्न है उसको भी एडजस्ट कर दिया है, तब इस तरह से शो होगा। इस केस में क्लोज ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक है, इसको तो दिखाना जरूरी है, तो एसेट्स आइटम हमारी और परचेजेस दिखाया हुआ, इसको अब सिर्फ एक ही एंट्री होगी। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में उसकी सिर्फ एक एंट्री होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ एंट्री होगी? सिर्फ से बैलेंस शीट में। और परचेजेस की तो आपको पता ही है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। तो दोनों केसेस में स्टूडेंट्स, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में और इनसाइड ट्रायल बैलेंस में, दोनों केसेस में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ से बैलेंस शीट में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। तो चलिए अब आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक का ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आइटम भी आपको अक्सर स्टूडेंट्स एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब इसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इसको समझते हैं। इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से स्टूडेंट्स हमारा मतलब है एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर कुछ एक्सपेंसेस हमने इनकर कर दिए हैं लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर 31 मार्च तक है तब तक हमने पे नहीं किए हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है जो हमें नेक्स्ट कमिंग ईयर में पे करना है, जो हमारा साल अप्रैल ऑनवर्ड शुरू होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने मार्च के महीने का रेंट पे नहीं किया या मार्च के महीने की जो सैलरीज हैं वो स्टाफ को नहीं दी हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई जो हमें नेक्स्ट मंथ में पे करनी है। और नेक्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। तो हम इसकी क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? हम उस एक्सपेंस हेड को तो हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया। टू, अब क्रेडिट किसको करोगे हमें? क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो हम करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये जो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ये जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है, यहाँ पे जो रेंट आ रहा है ऑलरेडी, इसके अंदर हम रेंट को ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, समझ रहे हैं? और आउटस्टैंडिंग रेंट को हम बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे एज करंट लायबिलिटी। ये हो गया अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो। इसको अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे? तब इसकी दो एंट्री नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी फिगर दी हुई है तो उसके सिर्फ से सिंगल एंट्री होगी। ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे बैलेंस शीट में सिर्फ से चला जाएगा लायबिलिटीज साइड में। ये लायबिलिटीज है, ये एसेट्स हैं, लायबिलिटी साइड में यहाँ आ जाएगा।
क्लियर है। चलिए ये स्टूडेंट्स, हमने ये एंट्री करंट ईयर में डाल दी है, अब नेक्स्ट ईयर में ये एंट्री क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अब नेक्स्ट ईयर में इसको एंट्री को कैंसिल भी तो करना है, ये किस तरह से हटेगी एंट्री जब हम ये रेंट अकाउंट को पे कर देंगे? हम क्या क्या एंट्री डालेंगे? हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे हम नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूँ ब्रीफ में, अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट या सैलरी या वेजेस, तो हम उसको जनरल एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और इसकी दो जगह पोस्टिंग होगी, एक तो पी एंड एल अकाउंट में पोस्टिंग होगी और दूसरी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो जाएगी। इन केस अगर एक जगह दिया हुआ है इनसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो उसकी सिर्फ से एक एंट्री होगी और वो होगी बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम अपने थर्ड आइटम की तरफ चलते हैं जो एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होगा। थर्ड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं अभी इसको रब कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मान लीजिए आपने करंट ईयर में, करंट अकाउंटिंग ईयर में, अगर आने वाले अकाउंटिंग ईयर का कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिया है तो वो हमारे लिए हो जाएगा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, यूजली एक साल का दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जुलाई के महीने में दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो अगले साल जून तक वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब हमने नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई जून तीन महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम का अभी से ही पेमेंट दे दिया करंट अकाउंटिंग ईयर में, तो उस तीन महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम को हम बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेंट हमने अप्रैल के महीने का रेंट हम मार्च में ही पे कर देते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर मार्च में ख़त्म हो रहा है तो इट मीन्स हमने अप्रैल का जो रेंट पे कर दिया तो हमारे लिए प्रीपेड रेंट अमाउंट है। तो ये प्रीपेड हो गया, हमने करंट ईयर में पे कर दिया तो हमारे लिए एसेट्स बन गई। तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स? जनरल एंट्री बनाएंगे। और अगर ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तब हम क्या एंट्री बनाएंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस हमने प्रीपे किया हुआ है, अगर हमने रेंट पे प्रीपे किया तो रेंट अकाउंट लिख देंगे, अगर इंश्योरेंस प्रीपेड किया हुआ है तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिख देंगे, टू रेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, ये हमने क्योंकि एडवांस में पे कर दिया है आने वाले साल का, तो ये हमारी एसेट्स बन गई, ये हमारी करंट एसेट्स बन गई, और ये कहाँ जाएगा? हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट साइड में। ठीक है, और ये जो हमने क्रेडिट किया रेंट अकाउंट को, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पी एंड एल अकाउंट में इसकी किस तरह से अकाउंटिंग एंट्री होगी? आपको अगर रेंट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है वहाँ पे, तो ये जो प्रीपेड रेंट है ये हमारा लेस हो जाएगा, लेस प्रीपेड रेंट, इस पे ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, कहीं आप इसमें ऐड कर दो और डबल हो जाएगा, तो आपका जो नेट होगा वो आपके पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा और ये प्रीपेड एंट्री आपकी बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में आ जाएगी। और हाँ, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही प्रीपेड रेंट या इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है, रेंट अकाउंट में कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा इसको आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले जाना है। अब ये तो हो गई करंट ईयर की एंट्री हमने कर दी, अब नेक्स्ट ईयर इसको आप कैसे सेटल करोगे? ये तो अभी अकाउंटिंग एंट्री वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ना, ये तो खड़ी हुई एंट्री है, तो आपने इसको नेक्स्ट ईयर आपने इसको रिवर्स कर देना है, रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और प्रीपेड रेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। अब आपको ये समझ में आ गया तो हम अपनी फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ चलते हैं, अक्रूड इनकम की तरफ। इसको मैं अभी रब करता हूँ। अक्रूड इनकम, accrued income means income which have been earned during the accounting year but which have not been received till the end of the accounting period. जैसे कि स्टूडेंट्स, आपका ये outstanding expenses होता है कि expenses
विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट हैव नॉट बीन पेड। इसी तरह इनकम हमने एक्रू कर ली है लेकिन हमें वो मिली नहीं है। हमारे अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से हमें करंट ईयर की जो इनकम है वो करंट ईयर में ही दिखानी है, चाहे उसको हमें मिले नेक्स्ट ईयर में। इसी तरह हमारे जो एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर में, जो हम एक्सपेंसेस इनकर कर चुके हैं वो करंट ईयर में दिखाने ही होते हैं, चाहे वो हम पे करें नेक्स्ट ईयर में। फॉर एग्जांपल रेंट, अगर मार्च के महीने का रेंट हमें मार्च में नहीं मिलता है और अप्रैल में मिलता है तो वो हमारी इनकम तो अर्न हो गई ना, एक्रू तो हो चुकी है, तो हमें करंट ईयर में दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कमीशन है, इंटरेस्ट है, जो हमने मार्च के महीने में अर्न कर लिया है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, वो फॉलोइंग ईयर में मिलेगा, तो इसकी क्या एंट्री बनाओगे आप? एक्रूड इनकम अगर हमारी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ये हमारी फिर से एसेट्स बन जाती है, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे एक्रूड। अगर फॉर एग्जांपल रेंट है तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, ये हमारे एसेट्स बनी हुई है तो हम इसको बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट्स में दिखा देंगे। और ये रेंट पी एंड एल अकाउंट में कहाँ जाएगा बताइए? डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये रेंट हमें मिलना है तो हमारे को रेवेन्यू है हमारा, तो हमें क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर रेंट अकाउंट हमारा यहाँ पे है ऑलरेडी रेंट रिसीव्ड, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक्रूड रेंट। समझ में आ रहा है? और दोनों का टोटल आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने रेंट में या कमीशन में आप जीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हो, जीएसटी आप ले रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या लिखोगे? टू लेते हैं तो हम क्या करते हैं? टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का रेंट है और उस पर 600 रुपीज़ हमारा सीजीएसटी और SGST है, तो यहाँ पे 11,1200, ये पूरा अमाउंट हमारा बैलेंस शीट्स में जाएगा 11,200 का, लेकिन हम जो P&L अकाउंट में क्रेडिट में यहाँ अक्रूड रेंट दिखाएंगे वो उस तरफ से 10,000 दिखाएंगे, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है बैलेंस शीट के अंदर, इसको हम नहीं अभी दिखाएंगे। अब आ जाइए इनसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर ये अक्रूड रेंट मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एंट्री है ये वाली हो चुकी है, रेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट हो चुका है। क्या करोगे आप? सीधा बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में आप ले जाओगे, सिर्फ से यहाँ पे आएगा। चलिए अब आ जाइए, ये तो थी हमारी करंट ईयर की एंट्री, हमें रेंट नहीं मिला था तो हमने रेंट को क्रेडिट कर दिया। अब आपको नेक्स्ट ईयर में रेंट मिल जाता है, रेंट मिलता है तो उसने कैश दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, इसको रिवर्स करेंगे हम एक्रूड रेंट अकाउंट 11,200 से टू एक्रूड रेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री आएगी नेक्स्ट ईयर 11,200। समझ में आ गया? तो हम अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं इसको अभी रब करता हूं। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री को देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, वहां पे था अक्रूड इनकम बट नॉट रिसीव्ड, यहां पे हो गया इनकम हमें पहले ही मिल गई है। मान लीजिए अप्रैल के महीने का जो रेंट है वो हमें मार्च में ही मिल जाए, जो हमने अप्रैल में रेंट मिलना था वो मार्च में मिल जाए, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये उससे एकदम अपोजिट हो जाएगा, ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी क्यों बन जाएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने अभी रेंट पे तो दिया ही नहीं है अप्रैल का महीना, अभी तो हमने सर्विसेज देनी है, जब हम सर्विसेज देंगे तो अप्रैल में देंगे ना, तो इसलिए हमारी वो लायबिलिटी है। तो अगर हम आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ये आता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप उसको कैसे एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट है या कमीशन है, वट एवर इट इज, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। और अगर आपने इसके साथ में जीएसटी भी कलेक्ट कर लिया है साथ में, तो टू अगर कलेक्ट किया तो हम क्या लिखते हैं? टू आउटपुट सीजीएसटी।
टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। और टोटल अमाउंट ये हमारा, ये अब लायबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल्स, अगर 10,000 रुपये का रेंट अगर हमने एडवांस में ले लिया है, 600 रुपये हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो 11,200 हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। और अब इसका देखिए कि पी एंड एल अकाउंट में किस तरह से एंट्री होगी। पी एंड एल अकाउंट में जो हमारा रेंट रिसीव हम करते हैं, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड हमारा आया हुआ होगा, रेंट रिसीव्ड। इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आ रहा है? वहाँ पे इससे पहले वाले केस में हमने रेंट अभी रिसीव नहीं किया था जो करंट ईयर का था, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमने रेंट रिसीव एडवांस में ही कर लिया है, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको ये जो हमने एडवांस में रिसीव किया है रेंट, इसको माइनस करना पड़ेगा। और अब देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में दिया हुआ है रेंट या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपने क्या करना है, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे आप। इसकी ये वाली ट्रांजैक्शंस नहीं होगी पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है, इसका मतलब। ठीक है, क्लियर है? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर जब आपको रेंट मिलना चाहिए था, तब आप क्या करेंगे। अब आपको इस अकाउंट को जस्ट अपोजिट कर देंगे, रेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे और रेंट रिसीव्ड अकाउंट इन एडवांस को आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एंट्री हमें क्लोज तो करनी है ना, सेटल करनी है। पेमेंट आपको पहले ही मिल चुका है, आपने सिर्फ से एक जनरल एंट्री पास करनी होगी नेक्स्ट ईयर के अंदर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ चलते हैं, डेप्रिसिएशन की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन। ये जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। आपको जैसे कि मालूम है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। और दूसरा मेथड होता है व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड। आई होप कि आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में मालूम होगा, आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर लिया होगा। अगर आपको ये दोनों मेथड्स में डिफरेंस मालूम है, तब तो आप कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इन दोनों मेथड्स में, तब आप इसमें गलती कर जाओगे। मैंने खुद डेप्रिसिएशन के ऊपर स्टूडेंट्स 8 लेक्चर्स डाले हैं, मेरा वीडियो सीरियल नंबर है 40 से 47, 8 वीडियोस हैं मेरे डेप्रिसिएशन के ऊपर, आप उनको पहले देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में दोनों को नहीं समझा पाऊँगा, थोड़ा सा ब्रीफ में ही बता पाऊँगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड है, तब तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड है, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाने वाले हो। तो अभी हम समझ लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड है और डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है वो हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगा है या बिल्डिंग पे लगा है, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। टू एसेट्स अकाउंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ये हमारा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप लिख दोगे यहाँ पे। और एसेट्स अकाउंट, हमारा जो बैलेंस शीट्स में एसेट्स अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, माइनस में डेप्रिसिएशन। अब अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है ये जो बैलेंस शीट्स में हमने जो फर्नीचर का अमाउंट दिखाया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है फर्नीचर की, तो यहाँ पे हम सिर्फ से पी एंड एल अकाउंट में लेके जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये वाली एंट्री नहीं होगी बैलेंस शीट्स वाली, सिर्फ से ये वाली एंट्री होगी।
ठीक है, ये अभी हमने बात करी है व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब हम बात करते हैं व्हेन डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड। इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन का एक प्रोविजन अकाउंट बनाया हुआ है, हमने एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसमें हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डाल रहे हैं, तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी उसमें यहाँ पे हम एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट ना करके टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये मैं आपको जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करवाएंगे उसी के साथ ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि आप अभी अब समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप सिर्फ से पहले वाले पार्ट को समझ लीजिए, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, उसमें हमने सिर्फ से पी एंड एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड कर देना है और यहाँ पे एसेट्स में से लेस कर देना है बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स आज हमने 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज को किया है, अभी मैं चाहता हूँ हम इन 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल पार्ट कर लें, वो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। आज के वीडियो में सिर्फ से इतना ही है, आप इनको मैं चाहूँगा आप एक दफ़े बहुत अच्छे से आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो इसका, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है एक ज़रा सी फिगर की गलती की वजह से एंटायर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आप अपने नंबर खो बैठोगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इन 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज तक एक एग्जांपल लेके आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ये बैड डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये और भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।